पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की काफ़ी सारी बातें पूरी दुनिया के लोगों को हैरान करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान में केवल 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज़्यादा आबादी बोलती है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 22 करोड़ से भी ज़्यादा है और यह अनुमान है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की आबादी दुनिया के मुसलमान रियासतों में सबसे ज़्यादा हो सकती है। दुनिया में आधी से ज़्यादा हाथ से सिली हुई फुटबॉल अकेले पाकिस्तान बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इजराइल को मान्यता देने के कारण आप किसी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं और पाकिस्तान के लोग ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर लड़कियां दूसरे देशों की लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। पाकिस्तान में शिक्षित की मात्रा केवल 60% है, लेकिन महिलाओं की शिक्षित मात्रा 46% से भी कम है। आज भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में औरत को काम करने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की रोड व्यवस्था पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गन्ने का रस पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और यहाँ पर गन्ने के रस को रूह नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे लंबी इंटरनेशनल हाईवे पाकिस्तान में बनाया गया है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ती है। पाकिस्तान का सिंचाई व्यवस्था दुनिया का सबसे बढ़िया माना जाता है और यहाँ के ज़्यादातर सिंचाई ज़मीन सिंधु नदी के आसपास है। पाकिस्तान का एंटी फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है, जिसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफ दुनिया की सबसे छोटी नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम देश के सबसे पहली बनने वाली प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान का असली नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यह दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है और यह हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीर कर उसके बीच से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा दुनिया का 11वां सबसे ताकतवर देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय पशु मार्क होल है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में ही है। इसका नाम चंगामंगा फॉरेस्ट है। यह जंगल 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 125 देशों पर किए गए रिसर्च में पाया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का 4था सबसे इंटेलिजेंट देश है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी खान पाकिस्तान के इमरान खान हैं। एक सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी धुन वाला राष्ट्रीय गान पाकिस्तान का ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की बीएफ ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का 20वां सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश है। रमज़ान के पाक महीने में घर के बाहर कुछ भी नहीं खा सकते,
क्योंकि इसे गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तब भी इस नियम को आपको मानना ही होगा। पाकिस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को फालतू के मैसेज नहीं भेज सकते। अगर भेजते हुए पकड़े गए तो आपको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, जिसे पाकिस्तान दिवस भी कहते हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियर का दुनिया में सातवां सबसे बड़ा संग्रह पाकिस्तान से ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत केटू पॉक में है। छोलों का उत्पादन करने में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान सरकार के एक आंकड़े के अनुसार 70 लाख पाकिस्तानी विदेश में रहते हैं। भारत के बाद पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें 60 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर साल लगभग 1 लाख लोग पाकिस्तान घूमने जाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर 7 सेकंड बाद एक बच्चे की पैदाइश होती है। एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानियों के नाम है। पहला पीसी वायरस पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था। पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान में 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान में शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते, इसे गैर कानूनी माना जाता है। दुनिया में 50% से ज़्यादा फुटबॉल अकेला पाकिस्तान बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने परमाणु ऊर्जा की शक्ति प्राप्त कर ली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान की सीमा भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जो इंटरनेट यूज़ करने वाले देशों में 26वें नंबर पर हैं। इस तरह देखा जाए तो यहाँ की लगभग 11% जनता इंटरनेट चलाती है। दुनिया में अकेला उपजाऊ रेगिस्तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थापरकार रेगिस्तान है। 125 देशों में किए गए एक पोल के आधार पर पाकिस्तान दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। पाकिस्तान की शाह फैसल मस्जिद में एक साथ 1 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की कुछ खास बातें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।